हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को लाइट वेव के मदद से कुछ इस तरीके की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। गाइस, ये जो एडिटिंग मैं किया हूँ सबसे इजी तरीके से किया हूँ। आप लोग दो स्टेप के मदद से इस तरीके की एडिटिंग कर पाओगे। उसके साथ साथ गाइस, मैं एक लास्ट में ऐसा ट्रिक बताया हूँ जिसको यूज करके आप लोग वन क्लिक में भी इस तरीके की एडिटिंग कर पाओगे। ये जो ट्रिक है इसको जानने के लिए इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो एंड स्टेप बाय स्टेप देखना वीडियो को, किसी भी स्टेप को मिस मत करना, नहीं तो आप लोग कुछ भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, सो गाइस, वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। सो गाइस, चलिए चेक कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, ये है नॉर्मल फोटो एंड इस फोटो को मैं लाइट ऐप के अंदर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद गाइस, आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस, सबसे पहले फोटो का जो लाइट है उसे एडजस्ट करना है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ऑटो टूल्स का यूज कर लेना है एंड ऑटोमेटिक जो लाइट है वो एडजस्ट हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर ब्लैक हो चुका है, मैं मैनुअल तरीके से एक्सपोजर को हाई कर देता हूँ। ठीक है, हाई करने के बाद गाइस फोटो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से मिक्स वाले टूल, गाइस सबसे पहले ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को येलो कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस की तरफ करना है। ठीक है, और उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ करना है एंड गाइस ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके लेमुलेशन को हाई कर देना है एंड सेचुरेशन को माइनस की तरफ। आप लोगों को एक बार फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइस दोबारा इसी फोटो को लाइट मैप के अंदर इनपुट कर लेना है। ठीक है, सो मैं इनपुट कर लेता हूँ लाइट मैप के अंदर। गाइस, मैं दोबारा लाइट वेव के अंदर फोटो को इनपुट कर लिया। इनपुट करने के बाद मैं डायरेक्ट मिक्स वाले टूल के अंदर जाऊंगा, यहां से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके गाइस यहां पर जो येलो कलर है इसको सिलेक्ट कर लूंगा और गाइस यहां से आप लोगों को ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस की तरफ। ठीक है, एंड आपका जो कलर है कुछ इस तरीके का आ जाएगा। आप लोगों को डन पर टैप करके जो व्हाइट बैलेंस है इसे आप लोगों को कुछ इस तरीके से रखना है। ठीक है, सो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ उसी टाइप का टोन आ चुका है फोटो के अंदर। ठीक है, आई होप समझ चुके होंगे कैसे आप लोग मैनुअल तरीके से इस तरीके का एडिटिंग कर पाओगे, वो भी लाइट मैप के मदद से। गाइस, यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर दो तीन चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, जैसे कि क्लैरिटी को हाई करूंगा एंड बिगिनिंग को माइनस की तरफ और जो यहाँ पर सरपनेस है इसको हाई, नॉइस रिडक्शन को भी हाई। ठीक है, एंड गाइस आप फोटो को सेव कर सकते हो। ठीक है, आप मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे वन क्लिक में इस तरीके का टोन दे सकते हो। ठीक है, सो गाइस इसके लिए आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाना है एंड इस वाले प्रीसेट को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो प्रीसेट आप लोग देख सकते हो, इस प्रीसेट को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली थ्री डॉट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को कॉपी सेटिंग कर लेना है और उसके बाद जिस फोटो के अंदर इस तरीके का टोन देना चाहते हो सिंपली उसी फोटो के अंदर जाइए, थ्री डॉट वाले ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को पेज सेटिंग कर देना है। ठीक है, हर फोटो के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके का टोन आ जाएगा। आई होप आप लोग वन क्लिक में भी एडिटिंग सीख चुके होंगे सिर्फ लाइटरूम ऐप के मदद से। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।